अवध, रुहेलखंड और बुंदेलखंड के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां डेरा डाल दिया है। मैनपुरी और औरैये की रैली में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की सरकार बनने पर होली के दिन 18 मार्च को फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया है। माताएं बहने यहाँ बैठी है, जिनके पास भी उज्ज्वला का गैस है, होली और दिवाली में एक एक गैस आपको दो गैस साल में मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे मित्रों। वहीं मैनपुरी में रैली करते हुए अमित शाह ने कहा कि कोरोना के वक्त योगी सरकार ने गरीबों का बड़ा ख्याल रखा है। मोदी जी की बात मानकर आपने वैक्सीन लगा लिया, वरना तीसरी लहर में हम बच पाते क्या? जोर से बोलो, बच पाते क्या? और जोर से बोलो, बच पाते क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाकर सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमित शाह ने मैनपुरी को ऋषियों की धरती बताते हुए प्रणाम किया और याद दिलाया कि यहाँ के महाराजा तेज सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। साथ ही ये भी बताना नहीं भूले कि बीजेपी सरकार की नींव पश्चिम वालों ने ही रखी है। वहीं सीएम योगी ने कासगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए। भाइयों बहनों, प्रदेश में पिछली सरकार ने दिव्यांगजनों का, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले वृद्धजनों का और विधवा महिला प्राप्त करने वाले विधवा महिलाओं की भी पेंशन की राशि को रोक दिया था, लेकिन हमारी सरकार वर्तमान में प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजन, वृद्धजन और विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया कि हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की विकास योजनाओं की भी जानकारी दी। वहीं अखिलेश यादव ने रायबरेली के लिए भी प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी का नाम लिए बगैर गर्मी निकालने वाले बताकर तंज कसा। जो गर्मी निकालने वाले नेता थे, उनके समर्थक ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और दूसरे चरण का बोर्ड देख करके सुन्न पड़ गए हैं? और जो गर्मी निकालने वाले हैं, उनको कल देखा कि नहीं देखा टीवी पे सुबह? उनकी भाप अपने आप निकल गई, अब वो बातें पता नहीं किस बात के लिए कर रहे हैं। और जो कभी कभी धुआं उड़ाते थे, वो धुआं हो गए हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जौनपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खुले आम घूमने और उन्नाव में बलात्कार की आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कहीं पूरे देश में एक आईपीएस फरार नहीं है? इनकी सरकार में आईपीएस फरार है। और जो 25,000 इनामी माफिया, उसके लिए बताओ जौनपुर में पुलिस कप्तान पिच बनवा करके क्रिकेट खिलवा रहे थे कि नहीं खिलवा रहे थे? और एक घटना नहीं बगा बताइए, उन्नाव में न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं। जिस पे आरोप था, बताओ वो मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में बुला करके पुलिस से बचाना चाहते थे कि नहीं बचाना चाहते थे? अखिलेश ने मार्च के बाद मोदी सरकार की गरीबों को राशन योजना बंद होने को लेकर भी जताया।
तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की इस लोकसभा सीट के मतदाताओं को कांग्रेस के बजाय सपा को वोट देने की सलाह दी। तीसरे चरण के मतदान में रुहेलखंड की 19, अवध की 27 और बुंदेलखंड की 13 सीटों पर 20 तारीख को मतदान होगा। 16 जिलों की इन 59 सीटों में से 49 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। बुंदेलखंड में तो सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। ऐसे में बीजेपी पर पुराना प्रदर्शन बरकरार रखने का दबाव है तो समाजवादी पार्टी बढ़त लेने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।